अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ थाना के बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के पास दिन दहाड़े अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोलियों से भून डाला, जिसे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल से मोटरसाइकिल सवार अपराधी आराम से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वही मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ थाना के बिस्किट फैक्ट्री मोड़ के निवासी सुरेश सिंह का 36 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। वही मृतक के परिजनों में रो रोकर बेहद ही बुरा हाल है और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार एवं फुलवारी शरीफ थाने के पुलिस दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वही शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घटना स्थल पर सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। घटना स्थल से एक मैगजीन भी बरामद की गई। निधि सिंह के साथ अजीत यादव की रिपोर्ट। में रहने वाले अमित कुमार को बाइक सवार कुछ अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई। उनको इलाज के लिए एम्स ले जाया गया है। एम्स ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना स्थल पर FSL टीम और CCTV फुटेज अवलोकन के लिए टीम को बुला लिया गया है। टावर डंप लिया जा रहा है। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।